राम मंदिर निर्माण समिति की चल रही दूसरे दिन की बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। ये बैठक मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन ने नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण का कार्य अत्यंत ही तीव्र गति से चल रहा है और तय समय सीमा के अंदर ही रामलला के गर्भगृह निर्माण का कार्य पूरा करके भगवान रामलला को उनके मुख्य अस्थायी गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या नगरी का भी समुचित विकास हो। हम जिला प्रशासन और यहां के बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरी अयोध्या नगरी के विकास पर चिंतन करते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर अब तेज गति से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोगों की ये बैठकें जो होती है वो हमारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए, उसकी गति ठीक है कि नहीं यह देखने के लिए, उस पर किया जाने वाला खर्चा व्यवस्थित है कि नहीं, उसका हिसाब किताब ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए होती है। इसलिए हर बार कोई नया बिंदु नहीं होता है। हमने जो पुराने हमारे संकल्प किए हैं उन संकल्पों के अनुसार हम वेग से आगे बढ़ रहे हैं। काम बहुत व्यवस्थित रीति से हो रहा है और हमारा विश्वास है कि जो समय हम लोगों ने निर्धारित किया है उस समय के भीतर हम भगवान रामलला को उनके मुख्य नए गर्भगृह में पधराएंगे